औरई जनपद के विधुना में भरतना रोड पर बिना डॉक्यूमेंट के चल रही बीना हॉस्पिटल में बच्चा जच्चा की मौत हो गई है। बता दें कि परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि 50,000 रुपये अस्पताल में जमा कराए गए थे। वही पीड़ित परिवार की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बता दें कि जच्चा बच्चा की मौत के बाद ही बीना अस्पताल को सामुदायिक अधीक्षक द्वारा ही पुलिस की मौजूदगी में सीज कर दिया गया है। क्या नाम आपका? भारत सिंह। पिताजी का नाम? सीताराम। कहाँ के निवासी हो? भगवानपुर। थाना? मधुना। क्या मामला है ये? मामला ये है कि ये बहू कल एडमिट कर। क्या नाम है बहू का? गीता देवी। फिर? लाल सिंह की पत्नी। हाँ, फिर कल एडमिट कराया था इन लोगों ने। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया? बीना हॉस्पिटल। इन लोगों ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी एक घंटे के अंदर में। धीरे धीरे हमसे कहा कि ब्लड आप ब्लड की व्यवस्था कीजिए, ब्लड लेके आइए। तो 5,000 रुपये में ब्लड जमा किया तो 5 अमतरवा मेडिकल से एक बोतल ब्लड लेके आए। तो कहीं ब्लड लगेगा, एक घंटे में डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल में होगी। 25,000 पहले जमा करवा लिए, 25,000 बाद में जमा करवाए, 50,000 रुपये ले लिए इन्होंने। इन्होंने कहा कि हम नॉर्मल में डिलीवरी कर देंगे। इन्होंने कोई बताया नहीं, रात में 12 बजे ज़बरदस्ती इन्होंने लड़की को हाथ डाल के खींचा, उसकी बच्चादानी फट गई और ये 9 बजे यहीं पे ख़त्म होगी। इन्होंने किसी को नहीं बताया, अपनी खुद की गाड़ी की और एम्बुलेंस में ले कर और इटावा पहुँच गए। हम लोगों को फ़ोन किया कि आप 5 मिनट में आइए। यहीं रास्ते में हम लोगों को गाड़ी पे बैठा लिया और सीधे टावा पहुंचे, वहां पे डेड घोषित हुई। क्या हुआ था? तेज बोलिए, क्या हुआ था? तो कह रहे 9 बजे बोले मुझे 8:30 बजे की दलिया बनवा के लाओ, मरीज सही है। जब मैं दलिया लेने गया घर में तो 5 मिनट हुए कि जल्दी आ जाओ 5 मिनट में। जब मैं आए तो आमली में जिन्होंने लाश मिली थी बोले जल्दी कर दो। मैंने कहा मुझे दो लोग बुलाया वहाँ की गाड़ी नहीं पहुँची, फिर एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गए थी वो यही खत्म हो चुकी 9 बजे। सब एक हॉस्पिटल में एक बच्चे की जच्चा बच्चा की मौत का मामला सामने आ रहा है, क्या है किस तरीके से? भरतना रोड पे एक प्राइवेट नर्सिंग होम है जिसका नाम बीना हॉस्पिटल है, वो कि जो है रजिस्टर्ड हॉस्पिटल नहीं है और इसमें जच्चे बच्चे की दोनों की मौत हुई है और इसकी जांच जो है वो की जा रही है। फिलहाल जो है अस्पताल को सीज कर दिया गया है।